Hello guys, how are you? I hope you all are doing great. So this video is about Sahyadri mountains in Maharashtra. So Sahyadri mountains in Maharashtra became a mess. जी हाँ, मुझे आपसे दो कंसर्न शेयर करने थी जिसके लिए मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली बना रहा हूँ. आई विल स्टार्ट विद द कंसर्न्स. सॉरी टू इंटरप्ट दिस वीडियो. मुझे इस वीडियो को एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करना था. लास्ट 3 सालों में सह्याद्री में टूरिज्म बहुत बढ़ गया है. सह्याद्री माउंटेन्स में जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गया, या फिर ट्रैकिंग इज एडवेंचर स्पोर्ट्स, हाइकिंग हो गया, कैंपिंग हो गया, और जिसकी वजह से हमारे लोकल विलेजेस को एक कमाने का जरिया मिल गया, और जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उनको भी एक कमाने का जरिया मिल गया. तो ऑफकोर्स आई शुड अप्रिशिएट दैट कि वी ऑल आर डूइंग ग्रेट. बट नंबर वन, जो ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र की, अभी उनमें उतना सेंस ही नहीं बचा कि कितने लोगों को ट्रैक पे ले जाए, या कैंपिंग पे ले जाए, या किसी एडवेंचर पे ले जाए. जी हाँ, देयर शुड बी अ कैप लिमिट. इन बहुत सारे केसेस में ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने 50, 100 और कई बार 150 लोगों तक गए हैं. मतलब सी देयर लाइक हाउ प्रॉफिट ओरिएंटेड दे आर. 150 लोगों को ये कंसर्न्स बहुत बार रेज हुए भंडारदरा फायरफ्लाइज के इशू की वजह से, जिनमें कुछ कुछ ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने 13 जीप्स तक की है. 13 जीप्स मतलब पर जीप 10 लोग, मतलब 130. कम ऑन ऑल ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्या कर रहे हो आप? अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो, सबकी लाइफ को खतरा है, सबकी लाइफ को खतरा है. आप 150 लोगों को लेके जा रहे हो, आप 100 लोगों को लेके जा रहे हो, आप सबको सेफ्टी नहीं दे सकते. अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप सह्याद्री में घूमने का सबका मजा भी खराब कर रहे हो. 150 लोग एक साथ एंजॉय नहीं कर सकते. इट इज अ क्राउड, इट इज नॉट अ ग्रुप, नॉट इट अ टीम, इट इज अ क्राउड. सेकेंड कंसर्न इज अबाउट द यूथ. जो यूथ, और भी बोल भी नहीं सकता कि जो थोड़े से एजेड लोग आ रहे हैं, उनमें भी उतना सेंस और मैच्योरिटी नहीं है कि जो अंडरस्टैंड कर सके जो है डिफरेंस बिटवीन अ ट्रैकिंग एंड अ पिकनिक. लोग ट्रैकिंग को पिकनिक जैसा समझते हैं, जिधर चाहिए उधर सेल्फीज लेते हैं, अपनी जान को खतरे में डाल के, उसके बाद जिधर चाहिए उधर सेल्फीज और फोटोज लेने की वजह से कभी कभी रोड भी ब्लॉक कर देते हैं. एंड द मेन कंसर्न इज अबाउट प्लास्टिक. गाइज, आप जो खाते हो खाओ, उसमें कोई रोक टोक नहीं कर रहा, बट जो प्लास्टिक फेंक रहे हो आप, वो नेचर में फेंक रहे हो. डोंट डू दैट. अगर नेचर को आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो नेचर भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. इफ़ यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रैक, आई एम टॉकिंग विद द ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑर्गेनाइजर्स, अगर आपको 100 भी इंक्वायरी आ रही है, तो ऑफकोर्स आपका बिजनेस है. मुझे उसमें कोई भी मतलब रोक टोक नहीं करनी है आप में कि आप करो बिजनेस, आपको प्रॉफिट कमाना कमाओ, पर किसी की लाइफ रिस्क में मत डालो. आपको अगर 100 इंक्वायरीज आ रही है, आप 30-30 के बैचेस करो, उनको 3 बार लेके जाओ. ये तो कर सकते हो ना. 150-150 लोग एक ही ट्रैक में. थिंक अबाउट दिस. होप गाइज आप सबको वो मैसेज मिल गया होगा जो मैं इस वीडियो के जरिए देना चाहता था, और आप भी सेम थॉट शेयर कर रहे हो. और अगर आपके पास कुछ और थॉट्स है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, और ऑफ कोर्स वी विल फाइंड सम सॉल्यूशन ऑन इट जो हम मिलके इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच गाइज. स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड पीस आउट.